नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के एक महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर है। कर्नाटक में एक बार फिर राहुल गांधी ने सावरकर और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और उन्हें इसके लिए पैसे मिलते थे और आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। राहुल गांधी के सावरकर के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बड़ा सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार कर दिया है और इस वक्त इस बात की चर्चा भी तेज है कि भारत को किसने जोड़ा और किसने तोड़ा। ऐसे में देश को जवाब दो में आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, जल्दी से उन सवालों पर भी गौर कीजिए। भारत जोड़ो बहाना, मकसद आरएसएस पर निशाना, ये बीजेपी कह रही है। सावरकर से क्यों नफरत, हिंदुत्व से क्यों अदावत, भारत जोड़ो या हिंदुत्व की कमर तोड़ो। सियासी बखेड़ा किसने तोड़ा, किसने जोड़ा, ये 2024 का सबसे बड़ा सियासी बखेड़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इसी एजेंडे के इर्द गिर्द 2024 का महासंग्राम लड़ा जाएगा। बहस की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। The BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद करकर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने सावरकर को निशाने पर लेकर आरएसएस पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और उसके लिए इन्हें पैसे मिलते थे। The RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the constitution, the party that brought the Green Revolution, that's the Congress Party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस ने भी ब्रिटिश राज का समर्थन किया था और आज उनकी नफरत के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle, and the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred, dividing the nation are not things that help the nation. That is why we are doing the Bharat Jodo Yatra. Rahul Gandhi ke RSS par kiye gaye is bade hamle ke baad turant BJP ke chanakya ne morcha sambhala aur bada palatwar kiya. Bharat ko todne ki ye prakriya Congress mook darshak bani rahi. Uttar Purva mein Bharat ko todne ki prakriya Congress chupchap dekhti rahi. मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने। राहुल गांधी सावरकर को निशाने में लेते हुए कई बार आरएसएस पर हमला कर चुके हैं। राहुल के एक बार फिर सावरकर के खिलाफ दिए गए बयान पर बखेड़ा शुरू हो गया है। सवाल खड़ा हो गया है कि देश को किसने जोड़ा और किसने तोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसने जोड़ा, किसने तोड़ा, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान है बीजेपी की प्रवक्ता, महिमा सिंह है कांग्रेस की प्रवक्ता, डॉक्टर पवन राम अम्बेडकर एआईएमआईएम की प्रवक्ता, कपिल मदान एडवोकेट हैं, संजीव उनियाल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने राहुल गांधी के बयान को देखा सुना होगा, वो कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने वाली राजनीति कर रही है,
नफरत की राजनीति कर रही है, इसलिए हमें इस भारत जोड़ो यात्रा की पहल करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत जोड़ो से पहले इन लोगों को भारत समझो यात्रा करनी चाहिए थी। ये जो इनका अहंकार है, ये जो इनका दंभ है, ये जो इनका घमंड है, अभी कल ही खबर आई है और पूरे देश ने देखा है, कांग्रेस पार्टी के दो चुने हुए विधायक, मध्य प्रदेश में एक ट्रेन पे शराब के नशे में धुत एक महिला को छेड़ते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी हमें सिखाएगी, ये कांग्रेस पार्टी संस्कार हमें सिखाएगी। इसी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उदित राज, भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की महिला जो संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचती है, उनके खिलाफ किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो भारत को समझिए, भारत को जोड़ने से पहले भारत को समझने का काम करिए। हमने यहां समाज में महिलाओं को, वंचितों को, हाशिए के लोगों को सम्मान दिया है, लेकिन आपके पार्टी के जो संस्कार हैं, आपके पार्टी का जो व्यवहार है, ये कहीं से भी भारत को जोड़ने का तो नहीं लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप पहले कांग्रेस को जोड़िए और भारत को समझिए। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी के किसी एक नेता का योगदान बता दीजिए आप। वो कह रहे हैं आरएसएस, सावरकर अंग्रेजों से मिले हुए थे, जरा ये बताइए कि बीजेपी के किसी नेता ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका निभाई थी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो अहंकार है कि हमने देश को आजादी दिलाया, कांग्रेस एकमात्र धारा थी क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस की एक भूमिका थी, लेकिन प्रत्युषी हमें यह समझने की आवश्यकता है, शहीद भगत सिंह कांग्रेस के थे क्या? शहीद भगत सिंह का कांग्रेस से कोई संबंध था क्या? आप बताइए आज मुझे, बहुत सारे कम्युनिस्ट आंदोलन थे जिनका योगदान था, बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन थे जिसका योगदान था, गोखले जी थे, तिलक जी थे, इतने सारे लोग थे जिनका योगदान था, जो संघ के संस्थापक थे उनका योगदान था। तो जो कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि हमने देश को आजादी दिलाया, देखिए प्रत्युष भाई, हमें एक साधारण सी बात को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, ये मानसिकता है कि जो हमारा सरनेम है, हम देश की जनता को मूर्ख बनाएंगे, हमारा जो सरनेम है वो गांधी है और हमने इस देश को आजादी दिलाई है, इसीलिए हमारे पास अधिकार है इस देश पे शासन करने का। अमेठी की लोगों ने आपको बता दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में कि ये जो देश की जनता है ये 60 और 70 की जनता नहीं है। आज देश की जनता अपना हक मांगती है, आज देश की जनता न्यू इंडिया की बात करती है। इस देश को आज भी याद है प्रत्युष भाई, इस देश को, कि इनके लोग कहते थे गरीबी हटाओ, इनके लोग कहते थे कि दिल्ली से एक रुपए चलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने ऐसा कहा है। भ्रष्टाचार इस देश में, शिष्टाचार था कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, लगातार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति की है और आज देश को जोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। सभी प्रवक्ताओं का रुख करूंगा मैं, आ रहा हूं महिमा सिंह जी आपके पास। सावरकर पर राहुल गांधी ने पहली बार हमला नहीं बोला है, पहले भी वो कह चुके हैं, वो माफी मीर थे, उन्होंने दया की भीख मांगी थी अंग्रेजों से। इस बार उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से उनको पैसे मिलते थे, आरएसएस भी अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। तो सावरकर और आरएसएस, इन दोनों का आजादी की लड़ाई में, उस संघर्ष में कहीं से भी तनिक मात्र भी कोई योगदान नहीं था, यही स्टैंड है कांग्रेस का? बिल्कुल यही स्टैंड है प्रत्युष जी, आज की चर्चा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दौर में ये चर्चा और ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भाजपा की झूठ की दुकान इन राष्ट्रीय चर्चाओं में भी चलती है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी और बहुत हास्यास्पद लग रहा था, और मैं बिल्कुल तर्कशीलता से बताऊंगी क्यों हास्यास्पद लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने सबसे पहले कहा कि भारत समझो, भारत जोड़ो नहीं। भारत तोड़ने वाले जब ऐसी बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है, गोधरा करवाने वाले, गांधी की हत्या करवाने वाले जब ऐसी बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने तमिलनाडु से आया हुआ एक वीडियो देखा था, भाजपा की एक विधायक के साथ भाजपा के एक नेता जिस प्रकार की छेड़छाड़ कर रहे थे और वो बार बार उनका हाथ हटाना चाहती थी और वो फिर छेड़छाड़ कर रहे थे, कहीं चुटकियां काट रहे थे, शर्मनाक था। एक महिला होने के नाते, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते, मेरा सिर शर्म से उस दिन झुक रहा था, गुस्सा आ रहा था कि ऐसी पार्टी जिसके अंदर बलात्कारी भरे हुए हैं, जिसके अंदर बर्नार्ड मराक जैसे लोग हैं जो वैश्यालय चलाते हैं, जिसके अंदर सीमा पात्रा जैसे लोग हैं
जिसके अंदर एक काउंसलर है इनकी विनीता अग्रवाल मथुरा से, जो अभी पकड़ी गई बच्चे की चोरी करते हुए, ये लोग हमें भारत और भारत की संस्कृति समझाने का प्रयास नहीं करें तो अच्छा होगा। जिसके अंदर कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, जिसके अंदर अजय मिश्र टेनी जैसे लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक वर्ष हो गया आज लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसान शहीद हुए उनको इंसाफ नहीं मिला। ये पार्टी आज बात करती है दंभ और अहंकार की। आपने एक सीधा सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता से कि राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया है और कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है कि आपने क्या योगदान दिया, आप अपने नेता की, हमने तिरंगा जब ये चला रहे थे हर घर तिरंगा, हमने तब भी ये सवाल पूछा था कि आप सावरकर की, गोलवलकर की, हेडगेवार की एक तस्वीर तो तिरंगे के साथ लगाइए ना अपने किसी हैंडल पे, यहां तक कि इनके अपने परिवार के लोग RSS, ABVP, VHP, विश्व हिंदू परिषद, ये सब के सब कितनी कोताही कर रहे थे तिरंगे को लगाने में, हम सब ने देखा था। तिरंगे को लेकर गोलवलकर ने क्या बोला था कि अपशगुन होगा यदि ये तिरंगा इस देश का राष्ट्रध्वज बन गया, वो गोलवलकर का कथन हमें याद है। हमें सावरकर का पूरा माफीनामा याद है और उसमें से कुछ अंश मेरे सामने खुले हैं, यदि आप कहें तो पढ़कर सुना दूं आपका पूरा कार्यक्रम, वो माफीनामा सुनने में ही चला जाएगा। तो ये जब बात करते हैं, आप इनसे सवाल पूछें कि RSS और BJP का क्या योगदान था, हिंदू महासभा का क्या योगदान था, इनका जवाब यही आएगा कि कांग्रेस अहंकार से भरी हुई है, ये दंभ से भरे हुए। हमने तो ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र कराया, कब कहा, हमने तो सदैव एक ही बात कही है, कांग्रेस एक मूवमेंट है और उस मूवमेंट का हिस्सा वो सभी लोग बने। आज भी गुरु प्रकाश जी मूवमेंट है, इस पर आपका कमेंट, उसके बाद मैं उनियाल जी का रुख करूंगा। जी मैं फिर आऊंगा एक एक करके सभी आपका जरा जवाब ले लेते हैं इसे। गुरु प्रकाश जी आपने दो विधायकों का जिक्र किया था और इन्होंने न जाने कितने नाम गिना दिए। नहीं, देखिए वो तो मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये ताजा खबर है, मैं बीच में नहीं। महिमा जी अगर बहस कर, लोकतंत्र का सम्मान करिए, धन्यवाद जी। देखिए मैंने तो इसलिए बताया था, कल की खबर थी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दलित नेता इमरती देवी के बारे में क्या कहा था, आइटम गर्ल, जरा उनसे कह के आइए कि भारत को समझिए, पहले महिलाओं का सम्मान करिए, दलित महिला के लिए आइटम गर्ल, आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनती है उसके लिए अपशब्दों का उपयोग। और मैं बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से उस बयान से दूरी को साबित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आदिवासी समाज की महिला जो राष्ट्रपति बनती है उसके लिए अपशब्दों का उपयोग होता है, अब अमर्यादित भाषा का उपयोग होता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगा है। कमलनाथ के लिए आप माफी नहीं मांगेंगे, दिग्विजय सिंह के लिए माफी नहीं मांगेंगे, मीनाक्षी नटराजन के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी संस्कार की बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, इन लोगों को तीन, बाकी तीन मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं रुक कर रहा हूँ। संजीव उनियाल साहब, जरा इस बात का जवाब दे दीजिए, RSS अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, देश की आजादी में ना जाने कितने लोग शहादत दे रहे थे और RSS अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। भाई मुझे लगता है कि ये विषय, ये जो सारी बातचीत है, ये एक वैचारिक द्वंद है, इसमें राजनीति, राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, वो कह रहे हैं कि सावरकर को अंग्रेजों से पैसे मिलते थे और RSS जो है वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। मुझे लगता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और यस्ते नास्ति सम प्रज्ञा शास्त्रम तस्ते करोति किम, जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, जबकि पता है कि लोग अनएजुकेटेड है यहाँ पर, जैसे कि चक्षुहीन व्यक्ति के आगे आप लगभग शीशा रख दें वैसा है। मैं एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगा, अगस्त 1928 से सितंबर 1929 तक राष्ट्रीय समसेवक संघ के सरसंघ चालक जी कोकेन नाम के जासूस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कांग्रेस में सम्मिलित थे और जेल में गए, एक अवधि मैंने 11 महीने की बताया, अगस्त 1928 से 29 तक, और जब वो बाहर आए तो मोतीलाल नेहरू, मुझे लगता है कि जो बोल रहे हैं उन्हीं के नाना दादा उसी परिवार के हैं, मोतीलाल नेहरू ने कार्यक्रम करके सरसंघ चालक राष्ट्रीय समसेवक संघ को फेलिसिटेट किया और लगातार 1.5 साल के बाद वो दोबारा 1931 में जेल में रहे 8 महीने, अपने सरसंघ चालक के दायित्व को एक और सज्जन को सौंप कर। तो ये हिस्ट्री मैं एकदम बताना चाहता था आपको, परंतु मैं जहां तक बात है सावरकर जी की, सावरकर जी को मैं कहता हूं वीर सावरकर को
कोहलू के बैल की तरह उनकी गर्दन पर कोहलू के निशान पड़ जाते थे, कोई भी गर्दन पर देख सकता था, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। और चक्कर लगवाना 24 घंटे तक, रस्सी पीटना और उनके हाथ में दोनों हाथों को बांध कर ऊपर लटका देना, ऐसी मार्मिक बैक टू बैक 20-20 साल की दो उम्र कैद काटने वाले एक मात्र और दूसरे भाई को भी जेल में रखने वाले एक ही परिवार के, ये क्या सोचेंगे? सोने के चम्मच से घी खाने वाले, दूध पीने वाले क्या समझेंगे दर्द? इन्होंने कभी कोई जेल नहीं ली, इन्होंने कभी कोई लाठियां नहीं खाई, इन्होंने तो माउंटबेटन के साथ मिलके वो वाला अध्याय कोई हिंदुस्तानी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि नेहरू जी के उस स्वर्णिम अक्षर को हम देखना चाहते हैं जिसमें उन्होंने सावरकर जी की स्टैंप आधारित की। तो इसका मतलब नाना जी को पूरी तरह से समझा नहीं, सावरकर को पूरी तरह समझा नहीं। वो स्टैंप आपको याद है ना, डाक टिकट सावरकर जी का किसने स्थापित किया, किसने एस्टैब्लिश किया, किसने एंडोर्स किया? यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए, नेहरू जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। घोर विरोधी होते हुए भी मोतीलाल नेहरू ने सरसंघ चालक जी को फेलिसिटेट किया और सावरकर जी की स्टाम्प निकालने का जो सबसे बड़ा काम किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं कपिल मदान जी और कपिल मदान जी मैं आपके पास आऊंगा, पवन राव मेटकर जी भी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बयान है, 3 साल पुराना एक बयान है, वो मैं सुनाना चाहता हूं, एक बार गौर से सभी को सुने प्लीज, वो बयान चलाइएगा। And as far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized. महिमा जी सुना आपने, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान है 2019 महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले का, जिसमें वो डाक टिकट का जिक्र कर रहे हैं, और एक खत 1980 का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का है, जिसमें 20 मई 1908 को पंडित बाखले, ये बहुत पुराना खत है, उसमें ये लिख रही हैं, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है, मैं आपको देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। तो 1980 और 2019 और अब 2022 कांग्रेस का स्टैंड सावरकर के लिए क्या है? प्रत्युष जी, पहले मैं हाथ खड़ा कर रही थी वो बात कह दूं और उसके बाद आपकी बात पर आऊंगी। मैं सुन रही थी कि महिला विरोधी टिप्पणियां जिसकी बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, और मुझे तो कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने पता नहीं कितनी उनकी की हुई जो टिप्पणियां है वो सारी याद आ गई एक ही क्षण के अंदर। तो ये प्रधानमंत्री की मैं टिप्पणियां बता रही हूँ, किसी आम नागरिक की नहीं जी जी। और ये भाजपा का तरीका है, भाजपा के विधायक संसद विधानसभा पार्टियों के, वैसे तो फिर शरद यादव से लेकर के कई नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे, बीजेपी के कई नेताओं के सामने नाम आ जाएंगे महिला विरोधी टिप्पणी को लेकर के। मैंने जो सीधा सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए, जो मैंने 1980 वो पत्र भी मैंने अभी इस वक्त दिखाया और मनमोहन सिंह जी का वो बयान भी दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं वी आर नॉट अगेंस्ट सावरकर जी। मैं आपके सब ये कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है और कांग्रेस की चरित्र को दिखाता है, सीधी सी बात है। तो अगर जो अगर जिस शख्स ने जिस आदमी ने आजादी में अंग्रेजों से पैसे लिए, अंग्रेजों से पैसे खाए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उनके लिए इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या? आप यदि आज का राहुल गांधी जी का कथन सुने, उन्होंने कहा अंग्रेजों से वो स्टाइपेंड भी लेते थे, अंग्रेजों से उन्हें पेंशन मिलती थी, इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता। और एक तो आजादी की लड़ाई में सावरकर की भूमिका थी नहीं थी? अगर नहीं थी तो फिर इंदिरा गांधी उनको क्यों कहती है देश के महान सपूत? अगर आजादी की लड़ाई में सावरकर की भूमिका नहीं थी तो इंदिरा गांधी को क्यों कहना पड़ता है देश के महान सपूत? प्रत्युष जी, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया इसे देखना होगा।
सुनिए सुनिए, मैं आपको जिस माफीनामे की वजह से सावरकर की 50 साल को बचाओ। आपने यदि सवाल पूछा है तो उसका उत्तर मुझे दे देने दें। 50 साल की सजा को उन्होंने 10 साल में जो कम करवा लिया, उस माफीनामे का एक छोटा सा अंश पढ़ के सुना देती हूँ। सावरकर ने अपनी याचिकाओं में जो लिखा था, उन्होंने लिखा कि अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो जो क्रांतिकारी मुझे आदर्श बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं वे हथियार डाल देंगे। मैं नहीं कह रही, तो इसलिए योगदान, जो योगदान उनका रहा होगा, जिसके कारण 50 साल की सजा मिली थी, जिसे उन्होंने माफी मांगकर घुटने टेक कर 10 साल में सिर्फ लोग कम करवा लिया, तो उस योगदान के बलबूते पर हमारी संस्कृति है ये कि जो जिस व्यक्ति का जो योगदान है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हम आज भी यही कहते हैं कि भाजपा अपने नफरती मैं माफी चाहूंगा पवनराव अम्बेडकर जी और कपिल मदान जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया, मुझे अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आप ही दोनों के पास आऊंगा और इस बात को समझने की कोशिश हम करेंगे कि क्या आजादी के लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही योगदान था, और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, सावरकर अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, घुटने टेके हुए थे, अंग्रेजों से उनको पैसे मिलते थे, इससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं। आप देख रहे देश को जवाब दो, सवाल यह है कि किसने जोड़ा किसने तोड़ा 2024 का, क्या यह है सबसे बड़ा सियासी बखेड़ा? डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस देश को जोड़ रही है और बीजेपी और आरएसएस दोनों देश में ना सिर्फ नफरत फैला रही है बल्कि देश को एक विभाजन की स्थिति में लेकर जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास भी जानना पड़ेगा, और इतिहास जानने से पहले मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी साहब बार बार जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर अपने ले लेते हैं। आरएसएस का जब भी नाम लेंगे, सावरकर का जब भी नाम लेंगे, इसका मतलब उड़ता हुआ तीर जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी आपने मेरी एक समस्या का हल कर दिया, अभी आपने 1980 का जो पत्र लिखा गया था आदरणीय इंदिरा गांधी साहब द्वारा, उन्होंने जो चीज कही है वो उस चीज को आपने दिखा दिया, इसलिए मैं उस चीज को कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं साफ साफ कि राहुल गांधी साहब को समझना चाहिए अपने इतिहास को, और एक इतिहास में इस इतिहास में कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस ने ही अपने बड़े बेटे को जन्म दिया, बड़ा बेटा कौन? हिंदू महासभा। छोटे बेटे को जन्म दिया, छोटा बेटा कौन? आरएसएस। इन दोनों बेटों ने मिलकर के इस देश में धर्म के नाम पर जो आग लगाई है वो आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मैं इसको बाकायदा प्रमाण के सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको देखिए, 1925 में आरएसएस का जब जन्म हुआ, आरएसएस को जब बनाया गया, तो आदरणीय हेडगवार साहब के साथ हिंदू महासभा के चार लोग थे। चार लोग कौन कौन? बीएस बुंजे साहब, गणेश सावरकर साहब, एलवी परांजपे साहब और बीबी थोलकर साहब। इन पांचों ने मिलकर के जो है आरएसएस का जन्म दिया, और आरएसएस की आइडियोलॉजी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे एमएस गोलवालकर साहब की जो दो पुस्तकें हैं, बंच ऑफ थॉट्स एंड वी और अवर नेशन वुड डिफाइन, इन चीजों को भी तो राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। 1980 में जो इंदिरा गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए राहुल गांधी साहब को। और दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको एक दिखा रहा हूं, ये किताब है इंसेंडरी हैंड ऑफ द आरएसएस एंड जनसंघ बिहाइंड द कम्युनल राइट्स, और ये पुस्तक लिखी गई है एच के व्यास के द्वारा। इस पुस्तक में सारा वो परिदृश्य दिखेगा जो 1967 में हाशिमपुरा मलिहाना की जो घटना हुई, गुजरात की जो घटना हुई, गुजरात के जो दंगे हुए, उसमें आरएसएस का हाथ था, और इस दौरान सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। 1980 में मुरादाबाद में ईदगाह में गोलियां चलाई गई, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और यही कांग्रेस की सरकार क्या कह रही थी? सन ऑफ इंडिया। सन ऑफ इंडिया कौन? सावरकर को सन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। अभी शुरुआत में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता को राहुल गांधी जी मूर्ख बना रहे हैं। देश की जनता को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के मूर्ख बना रहे हैं। ये एक दूसरे से झूठा की नूरा कुश्ती चल रही है। कपिल मदान, देश की जनता कपिल मदान, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, ब्रेक से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था और
मैं अपने इस कार्यक्रम में सभी को पूरा मौका देता हूं, क्योंकि तभी बहस की खूबसूरती और चर्चा की खूबसूरती बनी रहती है। कपिल मदानी, जो बात इन्होंने कही यहां पर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट से ही जन्म हुआ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का और आरएसएस का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को घेरती है और बीजेपी कांग्रेस को घेरती है, सबके दामन में दाग हैं। इतिहास के टटोलने में हमको अगर हम पीछे जाकर टटोलते हैं तो क्या हम सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं या हम देख ही नहीं पा रहे हैं? कपिल मदान, मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। जब इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने एक मुहावरा बोला कि बोया बेर बबूल का तो आम कहां से हुए, तो मैं इसके संदर्भ में कुछ दो चार बातें इतिहास से उठा के आपको बताऊंगा और ये दिखेगा कि ये किस तरीके से ये आरएसएस को एक्सपोज करती है। देखिए, इस बात से हमें हम सब अग्री करेंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, आरएसएस ने उसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने उसका विरोध किया, मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी को सावरकर साहब ने एंडोर्स किया। जब भारत का तिरंगा अपनाने की बात हुई, भारत के तिरंगे को आरएसएस ने अपोज किया। तो जब आपने, और दूसरी बात जो ये आज हमारे डिबेट का विषय भी है कि वीरो सावरकर के जो माफीनामे थे, यहाँ पे महिमा जी हैं, महिमा जी ने उसके बारे में हमारे को बताया, तो मैं वो बात को दोहराऊंगा नहीं कि इतिहास में जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, शायद सावरकर जी का नाम सबसे पहले और सबसे ऊंचे नाम पे आएगा जिन्होंने इतने लंबे लंबे माफीनामे लिखे। और माफीनामे लिखने के, अपने माफीनामे के अंदर ये भी लिखा कि मैं आपका लॉयल सर्वेंट रहूंगा, और उसके बाद स्टाइपेंड भी लिया। तो ये इतिहास है। अगर इस इतिहास को अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, तो अब हम जो इतिहास में हुआ हम तो इतिहास की बात ही करेंगे, और ये आरएसएस का इतिहास रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता ने कुछ बात करी महिला सम्मान के बारे में, तो इनकी बात सुन के मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आ जाएगी। अभी एक बच्ची का मर्डर हुआ उत्तराखंड में, एक विवादित बयान, जो इनके उत्तराखंड के बड़े लीडर हैं उनका बेटा जो उसमें मुख्य आरोपी है, और एक और लीडर एक बड़ा विवादित बयान दे देते हैं। इनके एक यूपी के मंत्री रेप केस में जिनको सजा हुई है अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, उनके समर्थन के अंदर वहां पे रैलियां निकाली गई। तो ये बीजेपी का आचरण है। अभी 15 अगस्त पे हमारे प्रधानमंत्री साहब महिला सम्मान की बात कर रहे थे अपनी स्पीच के अंदर, और उसी दौरान उसी हफ्ते के अंदर बिल्किस बानो के जो रेप के जो मुजरिम थे जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हुई थी उनको उन्होंने रिहाई दे दी। तो ये कहां से इतनी बेशर्मी लेके आते हैं और आगे महिला सम्मान की बात करते हैं, किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? गुरुप्रकाश जी, जवाब। नहीं, देखिए, सिलेक्टिविटी की भी सीमा होती है। ये शांत रहेंगे, ये कांग्रेस के विधायकों के लिए शांत रहेंगे, ये उदित राज के लिए शांत रहेंगे, ये दलित महिला का अपमान होते देखेंगे, एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनती है उसका अपमान कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे तो उससे किनारा नहीं करेंगे, ये स्वीकार करेंगे, ये इंडोर्स करेंगे कि इस देश का दलित, इस देश का वंचित, इस देश का आदिवासी अपमानित होते रहे। क्या यही चाहते हैं आप? कांग्रेस की हमारी साथी प्रवक्ता है और बिल्कुल अच्छी बात है, ये पुस्तक है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सावरकर जी की पुस्तक है, इसके पेज नंबर 130 पे टाइम्स ऑफ इंडिया 9 दिसंबर 1930 का है, ये एक बार पढ़ना चाहिए आपको। ये विक्रम संपत जी की पुस्तक है, उसमें उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कहा है कि सावरकर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। तो कांग्रेस पार्टी का जो कंफ्यूजन है कि भाई राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं, इंदिरा गांधी जी कुछ कहती हैं, आप संस्थागत समर्थन कभी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अध्ययन की आवश्यकता है, आप लोगों को क्लैरिटी की आवश्यकता है, आप कहीं और मत जाइए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी आज भी इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि भारत और कांग्रेस में समन्वय की कमी है, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड द कांग्रेस पार्टी। तो आप भारत को समझिए तो पहले, भारत जोड़ो से पहले भारत समझो साथियों। अमेठी को समझ नहीं पाए, अमेठी को के जनता ने आपको समझा दिया, राहुल गांधी जी समझते थे कि अमेठी हमारे जागीर का पार्ट है, लेकिन अमेठी की जनता ने जिस प्रकार इनको जवाब दिया है, देश की जनता ने जिस प्रकार इनको जवाब दिया है 2014 में, 2017 में,
2019 में, 2022 में आगे भी इसी प्रकार से देश की जनता इनको आईना दिखाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरी पुस्तक है वैभव पुरंदरे जी की सावरकर जी के ऊपर, ये पत्रकार है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा है कि सावरकर जी का जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था पतित पावन मंदिर का, उसको पढ़िए जाकर के। आखिरकार क्या कारण था? इंदिरा गांधी जी ने एंडोर्स किया है, उनके त्याग का, उनके तपस्या का, उनके बलिदान को प्रणाम किया है। तो अभी भी आप लोग टू माइंड्स में हैं, आपका जो दोहरा चरित्र है ये देश के सामने उजागर हो गया है। और भारत जोड़ो की बात करते हैं, जॉर्ज पुनैया, एक सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, जॉर्ज पुनैया जो इनके यात्रा की शुरुआत में आए थे, भारत माता के लिए किस शब्दों का उपयोग किया था? पूरे देश बीमारी, यानी कि सावरकर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस में, दंभ इसे बोलते हैं प्रत्युष जी। जब भाजपा का प्रवक्ता बैठकर ये सोचता है और बोलता है कि अध्ययन सिर्फ वो करके आए हैं और बाकी सब लोग यहाँ चर्चा में आकर जो है वो जनता का समय व्यर्थ कर रहे हैं, इसे दंभ बोलते हैं, इसे अहंकार बोलते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये बार बार राष्ट्रपति जी के बारे में जो बातें कही गई, कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया और क्षमा याचना भी हो गई, जो उसके ऊपर ये बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, स्मृति ईरानी के घनिष्ठ मित्र ने प्रतिभा पाटिल जी के बारे में क्या टिप्पणी की थी वो सर्वविदित है। और उस समय इनके एलाये थे महाराष्ट्र में जो ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के पब्लिकेशन ने राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए क्या लिखा था वो भी सर्वविदित है और गूगल करके कोई भी जान सकता है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। लेकिन आपने जो बात मनमोहन सिंह जी की उठाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्तव्य को आपने सुनाया, मैं याद दिला दूं ये उसी वर्ष की बात है प्रत्युष जी, जिस वर्ष में इन्होंने घोषणा की थी कि वीर सावरकर को हम जो है वो भारत रत्न अवार्ड देंगे। और उस समय दो दिन पहले, इस वक्तव्य के दो दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खंडन किया था और ये कहा था कि यदि महात्मा गांधी के 150वें वर्षगांठ के ऊपर सावरकर को भारत रत्न अवार्ड दिया जाना है, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले के साथ सावरकर को रखा जा रहा है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके और भारतीय संस्कृति को जो है तार तार किया, ऐसे व्यक्ति को यदि भारत रत्न दिया जाना है तो इस देश को फिर परमात्मा ही बचाए, तो इसका खंडन किया था। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, बात कर रहे थे, वहां कोई सवाल उठा होगा, जो बात मैंने पहले भी कही कि परिप्रेक्ष्य देखिए, इंदिरा गांधी जी ने भी जो पत्र लिखा और उसमें जो भी बातें लिखी वो हमारी पार्टी की विचारधारा और संस्कृति के बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी में है, क्योंकि हमारी पार्टी तो ये बोलती ही है, महात्मा गांधी के विचारों पे चलती है कि पाप से लड़ो पापी से नहीं, हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम विचारधारा के खिलाफ है, हम ध्रुवीकरण के खिलाफ है, हम नफरत के खिलाफ है, हम गोधरा के खिलाफ हैं, हम गांधी के हत्यारों के खिलाफ हैं, हम प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हैं। याद है मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम उनके हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हम वीर सावरकर के खिलाफ हम नहीं हैं। ये मनमोहन सिंह ने कहा था, उन्होंने कहा कि उनके, हमने कभी भी नहीं कहा जी। ठीक है उनियाल जी, उनियाल जी, इतिहास की बातें बहुत हो गई, लेकिन कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि आरएसएस और बीजेपी इस देश को बांटने की ओर लेकर जा रही है, इसलिए हिंदू मुसलमान इसके अलावा नहीं है कोई दूसरा काम। मुझे लगता है प्रत्युष कि दो बातें हैं, एक तो वैचारिक जब दर्शन चलता है, वैचारिक बातचीत होती है, आत्ममंथन होता है, देश में वापस में बातचीत होती है, तो वो एक मुझे लगता है विकास की तरफ लेके जाती है देश को, वो उस समाज के विचार को जो है देश को एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है। परंतु जब एक परिवार की बात होती है, यस्य स्नेहो भयं तस्य, जब आप एक परिवार से स्नेह करने लगते हैं, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि विचारधारा से लिंक होता है, क्योंकि चार बातें सिर्फ मैं और बताऊंगा कि जब तिरंगे में चक्र की बात आई तो सावरकर जी थे, वीर सावरकर ने चक्र जो हमारे देश के झंडे में आता है वो उन्होंने ही इस्टैब्लिश किया था। और आपको ध्यान होना चाहिए कि एक ऐसा मंदिर जिसकी बात मेरे मित्र भी कर रहे थे, जिसमें ब्राह्मणों को हटाकर उन्होंने ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एक यहाँ मित्र बैठे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को वहां का ब्राह्मण बनाया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति को, और उस मंदिर की स्थापना का जो कीड़ा उठाया वो सावरकर ने उठाया, और महिलाओं के लिए जबरदस्त कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वीर सावरकर थे, परंतु इनको माफीनामा का वो जो धुंधला, अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, मैं चाहूंगा कि 10 से 15 सेकंड, चूंकि
अब मुझे इसको वाइंड अप करना, समाप्त करना, लेकिन फिर भी मैं आपको और मदान साहब को दोनों को 15-15 सेकंड दे रहा हूं। सबसे पहले अम्बेडकर जी मुझे बता दीजिए, कांग्रेस देश को जोड़ रही है और बीजेपी देश को बांट रही है। प्रत्युष जोड़ने पर ही मैं कह रहा हूं कि अभी जो है गुरु साहब ने जो है एक स्टेटमेंट सावरकर साहब के कहा है, एक स्टेटमेंट और भी पढ़ ले और किताब भी पढ़ ले। 1937 में अहमदाबाद में इन्हें जो है सावरकर साहब को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया हिंदू महासभा का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें कहा गया एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, इसको भी पढ़ ले गुरु साहब, और उसमें कहा गया देयर आर टू एंटागोनिस्टिक नेशंस लिविंग साइड बाय साइड इन इंडिया। आखिरी हिस्से में थ्योरी ऑफ टू नेशंस, अभी फिर इतिहास में जाएंगे तो फिर ये बहस लंबी चल जाएगी। मैंने सीधा सवाल पूछा था, कांग्रेस देश को जोड़ रही है प्यार से और बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश को बांट रही है अपनी नफरती सोच से। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया मदान साहब, इस देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया आरएसएस के सहारे, आरएसएस के सहारे। इन्होंने एक साथ मदान साहब, इन्होंने एक साथ बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस तीनों को लपेट दिया कि तीनों का यही काम है। देखिए 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 मैं नहीं समझता अम्बेडकर जी जो बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई लॉजिक है? ये बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस और आरएसएस एक अलग अलग विचारधारा है और कांग्रेस जो आरएसएस की विचारधारा है उससे लड़ रही है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे एक और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बताया कि सावरकर जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया, तो एक चीज शायद वो भूल गए, इनको याद दिला दूं, हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनके जो कत्ल का जो षड्यंत्र था उसमें सावरकर भी एक्यूज थे। हालांकि आपको पता ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि महासभा, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अलग अलग चीजें, आपको शायद ये भी ज्ञान नहीं। सर अब ओवर हो गया, अब और ओवर गए, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता किसी को, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देश को जवाब दो में जुड़ने के लिए। विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है लेकिन देश एक था, देश एक है और देश एक रहेगा। एक मजबूत डोर से हिंदुस्तान बंधा हुआ है जो इस तरह की बातों से कभी बट नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए हिंदुस्तान।